नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते ही एक बार फिर आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, और साथ में ये भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से घेरा जा रहा है आपको आरोपों के साथ या दावों के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे, जो शर्तें लगाई हैं जमानत को लेकर, दी गई हैं शर्तें जो के साथ दिया गया है जमानत, और दूसरा उसमें खास बात यह है कि किसी सरकारी जो फाइल है उस पे दस्तखत नहीं कर पाएंगे। यानी यह भी निकल कर आया है कि कहीं हाथ कटे ठाकुर जो है, फिल्म शोले में जैसे था कि वो एक हाथ कटे ठाकुर रहते हैं, उसके समान कहीं ये जो रिहाई है वो हो रही है। और अब इस पे जो जमकर रार और तकरार है, वो उसकी वजह यही है कि यदि कोई दल है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किया है, तो वो आप भी रही, और आपके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने या उनके और जो नेतागण हैं, संजय सिंह संसद में दहाड़ते रहे, राज्यसभा में तो केजरीवाल विधानसभा और सड़क पर दहाड़ते रहे हैं। अलग अलग जब मौका मिला है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाने साधे, और अब जब दो राज्यों के विधानसभा चुनावों का एक प्रक्रिया जारी है, तो इन सब के बीच क्या कुछ इसके रिपरकेशंस होंगे, क्या किसे फायदा होगा, क्या किसे नुकसान होगा, इन सब पर बात करने के लिए हम चलेंगे। हमारी जो बहस होती है उसमें खास पैनल के पास हमसे जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अजय शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और एक हमारे मेहमान अभी और जुड़ेंगे, और मैं जैसा अपने दर्शकों को परिचय देता हूं कि आप लोगों का बड़ा दीर्घ अनुभव है, 4 दशक, 4.5 दशक का आपका जर्नलिज्म का अनुभव, आप निरंतर जो देश दुनिया में घटनाक्रम होते हैं उसमें निगाह नजर रखते हैं, साफ साफ बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, तो मैं आपका पुनः सबका स्वागत करूंगा। मैं आगे बढ़ने के पहले जो जमानत के बाद के कुछ घटनाक्रम रहे हैं, चाहे वो जश्न की बात हो या जो बयान या जो प्रतिक्रिया आई है, कुछ सुनाता हूं अपने दर्शकों को, आप लोगों को दिखाता हूं, फिर मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले हम सुनते हैं सिसोदिया जो है उनके एक देश के आम आदमी को ऑनरेबल की मनीष तमाम सिसोदिया। साजिशें रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। ये बात तानाशाही और संविधान की रक्षा की गई मनीष सिसोदिया की ओर से। दूसरी ओर संजय सिंह क्या बोल रहे हैं वो भी हम सुनते हैं। से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है, और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। ये संजय सिंह थे। इसके साथ साथ हम वो जश्न भी देखें जो एक जश्न बन रहा है, खासकर जब होने के बाद सुनीता केजरीवाल मिठाइयां खाने खिलाने का एक काम चल रहा है।
सफरर रही है सबसे ज्यादा यदि कोई, तो सुनीता केजरीवाल। ये है और साथ में उनकी एक प्रतिक्रिया भी थी, वो भी हम सुनते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? फिर गया वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। एक छोटी सी एक थी कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर और जो अपना राजनीतिक हित है उसे साधने की बात है। कुछ एक ट्वीट भी है एक आध दो, वो भी मैं सोचता हूँ लगे लगे दिखाया जाए। ये एक ट्वीट आया है अखिलेश यादव, दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है और दुनिया अब इसी परंपरा को आगे दुनिया इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर जो सारा कुछ है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं और खासकर जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो इस तानाशाही की बार बार बात होती है या जो एक निरंतर जो संवैधानिक संस्थाएं या जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग, ये सब कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं शुरुआत करता हूं, अरुण जी आपसे शुरुआत करता हूं दीक्षित जी, और उसके पहले दिनेश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और मैं आपके पास ही आऊंगा दिनेश जी इस पहली प्रतिक्रिया के बाद, क्योंकि आपने बताया था जाना है। मैं सबसे बड़ा अनुमति चाहते हुए मैं अरविंद सर से भी और अजय सर से भी, अरुण जी कैसे इसको जो आपने तानाशाही या जो संस्थाओं का दुरुपयोग सारी चीजें और जिस तरीके से जमानत मिली और अब इसके बाद जो एक रार है, कहीं भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस्तीफा देना चाहिए, अब वो हाथ कटे ठाकुर किसी स्थिति है, सब पर आपकी प्रतिक्रिया, शुरुआत आपसे। अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो वो कह रहे थे पहले, लगातार उन्होंने ये गिरफ्तारियों से पहले संजय मनीष इन सबने ये बात कही थी कि क्या क्या होने वाला है, ठीक वही हुआ। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो बात कही है सीबीआई को लेकर के, वो अपने आप में ये प्रमाणित करती है कि जो ये लोग कह रहे थे, जो इन्होंने कहा था वो सब, अब किस्सा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि लिकर पॉलिसी में बदलाव किया गया। दिल्ली की सरकार खुद शराब बेचती थी, उसका अपना एक कारपोरेशन ये काम करता है, इन्होंने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया, पॉलिसी बदली और जब उस पर विरोध हुआ तो उसको पॉलिसी को वापस दोबारा से लागू कर दिया पुरानी को। अब यहां पर आरोप यह है कि 144 करोड़ 36 लाख रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। पूरी जांच में संजीव जी कहीं कोई ट्रेल नहीं है, पैसा कहां गया, किसके पास से गया, कहां पहुंचा, लेकिन यह सबको मालूम है कि जिस आदमी ने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा दिया था वो अप्रूवर है, उसके उस पर अरविंद केजरीवाल का नाम आया और उसके उस पर गिरफ्तार किया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा अपशकुन है। आप याद करिए मई में भी वो छोड़े गए थे, अगर उनको और थोड़ा समय मिला होता, पहले छूट जमानत मिल जाती तो ये 240 का आंकड़ा भी मुश्किल होता। अब जो कुछ भी हो लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो सामने ही है, मूल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे, जो संजय ने कहा, जो मनीष ने कहा या जो सुनीता केजरीवाल ने कहा, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर मुहर लगाई है। अब मैंने एक टिप्पणी देखी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब जेल वाला नहीं बेल वाला पीएम होगा और तमाम गालियां उन्होंने केजरीवाल को दी है। तो एक सामान्य भारतवर्षी होने के नाते भाई येदुरप्पा कौन है, अमित शाह कौन है, वो तड़ी पार हैं, वो जेल में रहे हैं, मधुकोड़ा आपकी पार्टी में है, वो जेल में रहे हैं, पूरे देश में आपके पास वो सब नेता हैं, बलात्कारी आपकी पार्टी में है, जो केस एडीआर की रिपोर्ट में देखिए, तो आप जब घेरने शुरू होते हैं, दरअसल पूरी बीजेपी आज खिसियाई हुई है और खिसियाई इस तरह से है कि अब करे क्या,
भाई कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, ठीक है जमानत दी है, शर्तें तो कोर्ट लगाता है, कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उसे कौन सुनेगा। और जो सबसे बड़ी चीज आ रही है इसमें कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल निशाने पर क्यों। दिल्ली में अरविंद, हमारे ठाकुर अरविंद सिंह छोटे भाई यहीं दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं पाए, तमाम कोशिश के बाद लगातार सब तरह से कर लिया, आपने पूरी नौकरशाही, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहना नहीं चाहिए, वो एकदम वो दूसरा तोता बने हुए हैं, और एक ये नहीं पहले वालों ने भी वही सब किया है। तो आप एक चुनी हुई सरकार को, जो शब्द आपने हाथ कटा ठाकुर कहा, उसके हाथ काटने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की थी। आप याद करिए नगर निगम चुनाव में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी जीती तो कितनी अड़चने डाली गई उसके मेयर को सत्ता देने में, क्या नहीं किया गया। तो मूल बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नैतिक हार है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें कही हैं उसके बाद भारत की दो एजेंसियों ईडी और सीबीआई को ये सोचना चाहिए कि देश में दल बदलेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, पर ये एजेंसियां रहेंगी, इनकी साख इतनी खराब हुई है, ये कभी भी, अब मुझे नहीं लगता है दशक मतलब पीढ़ियां गुजर जाएंगी तब तक सीबीआई की ये तोते वाली इमेज खत्म नहीं होगी। और आखिरकार समस्या क्या है, समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ नहीं पाए, अरविंद केजरीवाल को खरीद नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल भी पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में चले जाते तो हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, और वो यही चाहते थे कि खरीद लो, नहीं हुआ, और ना जनता ने दिल्ली की साथ दिया, लोकसभा की सीटें वो जीते लेकिन ना नगर निगम जीते ना विधानसभा जीते। और उन सब चीजों का जो प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो बिजली पानी को लेकर हो, चाहे वो स्कूलों को लेकर के हो, वो एक उसकी मिसाल दी जाती है। पूरी बीजेपी पूरे देश भर में लगी रही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप भी यही हैं और बाकी मित्र भी जानते हैं, यहाँ क्या नहीं हुआ, यहाँ व्यापम घोटाला हुआ, सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप था, नर्सिंग घोटाला सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप है, यहाँ सीबीआई ने बचा लिया। अब नर्सिंग घोटाले में तो सीबीआई के अफसर पकड़े गए, घूस लेते हुए जेल गए। इस पर कभी भी ये जो बेल वाला सीएम कह रहे हैं वो भाजपा के नेता वो भूल जाते हैं, मतलब उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वो जो बोल रहे हैं वो उन पर सबसे पहले लागू हो रहा है, क्योंकि तड़ी पार तो देश का गृह मंत्री है, हम आप नहीं कह रहे हैं, हैं रिकॉर्ड पर है। तो मूल बात अब आती है कि आज के बाद कर अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर बाद घर आ जाएंगे, कल ने क्या हाथ काट दिए, दस्तखत नहीं होके मुख्यमंत्री, लेकिन क्या उनकी सभाएं बंद हो जाएंगी, क्या उनका बोलना बंद किया है, क्या उनको घर में बैठने के लिए कहा है, बात तो करेंगे, केजरीवाल बोलेंगे तो हम और आप सुनेंगे उनकी बात और पूरा देश सुनेगा जानेगा। अभी तो जो संजय और मनीष ने कहा है, आने वाले समय में जब कल से केजरीवाल बोलना शुरू करेंगे तब क्या करेंगे ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई मुकदमा आए और दो दिन बाद केजरीवाल फिर अरेस्ट कर लिए जाए। क्यों? क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये पुलिस, दिल्ली पुलिस उनकी सारे खेल देख लीजिए और कोई और नहीं, इसमें सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन्वॉल्व है। पूरे दृश्य को देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे ज्यादा तकलीफ अरविंद से हुई। क्यों? अरविंद को नहीं हरा पाए, अरविंद ने जो चीजें की उनका काट नहीं है, और अरविंद से मुश्किल यह है कि अरविंद मुंह पे बोलते हैं, कमियां सब में है। हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, गड़बड़ी हो सकती है, कहीं कुछ हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि एक चीज के लिए जिसका कोई सबूत नहीं उसके लिए आप मुख्यमंत्री और मंत्री को अरेस्ट करो। फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जो ऐसे मामले हुए हैं, फिर आपने क्यों नहीं इन मुख्यमंत्रियों को, मंत्री तक को, अभी मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला कितना बड़ा चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई के अफसर पकड़े गए। कंक्लूड आप करिएगा पहले राउंड में, आप करिए कंक्लूड। तो मैं आज के बाद संजीव जी, आज के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले गोदी मीडिया, कितना भी अफसोस करे, कितना भी दबाव करे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बोलेंगे तो बात उठेगी, और बात उठेगी तो हम सब बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आज से अपशगुन शुरू हो गया है, बहुत बुरा दिन है आज इन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपशगुन है, वाला दिन है और बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आप कह रहे हैं। मैं दर्शकों को एक बार जरूर बता दूं, जो जिन्होंने दिन भर से अगर नहीं देखा हो, हालांकि सुबह से आ चुका है,
जो 6 शर्तें उसमें ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, और आखिरी शर्त जो उन्होंने लगाई, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होकर जांच में सहयोग करेंगे। आम एक है जो आखिरी है। मैं जाता हूं दिनेश जी को जाना है, इसलिए मैं उनसे पहले पूछ लेना चाहता हूं। दिनेश जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी से जुड़े मामले में पिछली बार की और सीबीआई को लेकर भी, कि जो गवाही देता है गिरफ्त में रहा व्यक्ति, उसके बयान को सबूत नहीं माना जाएगा, और केजरीवाल का जो मसला मामला है उसमें साफ है कि जो वो माकुंटा रेड्डी के बेटे वो राघवा रेड्डी हैं, उन्हीं के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। अब जो आज जो उनको जमानत मिली है, जो शर्तें लगी हैं, उसमें जो विस्मय कहीं ना कहीं प्रकट किया गया है, विधि वेत्ता है या जो वकील रहे हैं वहां, उन्होंने इस बात पर बड़ी एक आश्चर्य प्रकट किया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट का एक वो रहा है, डायरेक्शन रहा है, फिर इस मामले में इससे वंचित कर दिया जाना अपने आप में कंट्राडक्टरी। और एक खास बात यह भी रही है कि जो दोनों जजेस थे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया, इनमें मतैक्य था कुछ, खासकर गिरफ्तारी के मामले पे था, और ये भी निकल के आया है कि जो ये फाइल पे साइन नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे वो मुख्यमंत्री दफ्तर, तो ये सब जो चीजें रही है इन सबको कैसे देखा जाए, इस पर क्या आप एज ए विश्लेषक क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? अन्म्यूट कीजिएगा। पहले तो मेरा आप सबको प्रणाम। और ये जो आज बेल हुआ है केजरीवाल का, जैसे अरुण भाई साहब ने कहा कि ये एक बहुत बुरा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये एक व्यक्ति नहीं है, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया, सारी चीजों को आप एक क्लब करके देखिएगा। अब ये रास्ता खुला है बाकी लोगों के लिए भी। इतने लंबा समय ईडी या सीबीआई काम कर रही है, लेकिन कोई भी सबूत ऐसा एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है जो जिनकी बिना पर ये इनको या तो जेल में रख सकते या किसी सजा के उस मुकाम तक पहुंचा पाते। मसला सिर्फ एक है कि विरोधियों को किस तरीके से आपने उनका मुंह बंद करना है, उनको जेल पे रखना है, उनको नजर बंद करना है। आप ये सरकारी तंत्र का हिसाब देखिए, कुल मिलाकर इस हिसाब में सिर्फ एक ही चीज फिट बैठ रही है कि किसी तरीके से जो भी व्यक्ति खिलाफ बोल रहा है उसको आप कैसे कमजोर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आज इधर केजरीवाल बाहर आए हैं अभी कुछ दिन पहले। देखिए बहुत ये राजनीतिक घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस तरह से, और ये जो अपने आप को पाक साफ और पाक दामन बात करने की बात करते हैं, जैसे अभी अरुण जी ने बहुत अच्छा कहा कि हर तरह का व्यभिचारी अत्याचारी इनके साथ जुड़ा हुआ है, बलात्कारी ऐसे आरोपों के साथ जुड़े हुए लोग इनके साथ हैं, ये इसको इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरियाणा के लिए इनको एक व्यक्ति की बार बार जरूरत पड़ती है, वो है। और केजरीवाल तो बेल पर आए हैं ना, और वो पेरोल पर आए हैं, वो ये जो आंकलन है, अब ये जो नई इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन में एक तरफ एक व्यक्ति उसी प्रचार में शामिल होगा और वो बेल पर होगा, और दूसरा प्रचार पर होगा और वो पेरोल पर होगा। अब आप, और हर बार जब इलेक्शन हरियाणा में आते हैं इस तरह से कुछ होता है तो उस व्यक्ति को ये जेल से बाहर लाकर अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है ये इसी तरह से आप देखिए इसका नजरिया और इसके कितने रिप्रिकॉशंस हैं। अभी एक प्रेसिडेंट, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम किसी अपील या दलील में जाते हैं तो वहां पर आपको प्रेसिडेंस देने पड़ते हैं कि उस केस में ऐसा हुआ था, उस केस की वजह से ऐसा, ये इसलिए यहाँ पर सजा दी जाए और इसलिए सजा माफ की जाए, तो यू हैव टू कोट सम प्रेसिडेंट्स। तो हियर अ न्यू प्रेसिडेंस हैज बीन सेट, और ये बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र की और न्यायपालिका की, कि बिना वजह किसी व्यक्ति को जेल के अंदर रखना, और वो भी उन लोगों की गवाहियों पर जिनकी खुद के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डाउटफुल हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
ये आने वाले दिनों में बहुत लोगों को, जितने भी सताए और हताश हुए लोग हैं, उनके लिए ये एक आज जीत का जश्न मनाने जैसी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद सर। ये जो हम इसको अगर संदर्भ हो, इलेक्शन संदर्भ देखा जाए, हरियाणा से आते हैं खुद केजरीवाल, तो एक तो हरियाणा में अब वो अलोन जो फाइट है, एक जितनी भी सीटें उन्होंने अभी तक घोषित की हैं, लड़ रहे हैं वो लोग, एक चीज। और दूसरा, इसके जो इम्पैक्ट्स दिल्ली में जिस तरीके की, अब बहुत निकट है चुनाव, ज्यादा दूर नहीं है, उसको लेकर, और अब इन सब के बीच में जो उनके ऊपर बंदिशें हैं, इन बंदिशों के चलते क्या कठिनाइयां उनको आएंगी, और इनके आने के बाद क्या जो राजनीतिक जो उनका अपना ओरा है या वो है, इन सब के लाभ क्या होंगे, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया सर। अरविंद सर अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए संजीव भाई, अभी अरुण भाई दिनेश जी ने जो कहा, दिल्ली की जो राजनीति है उसमें मुख्यमंत्री तकनीकी तौर पर वो भले कुछ कमजोर हो प्रशासनिक अधिकारों में या बाकी चीजों में बाकी लोगों के मुकाबले में, लेकिन भारत के हर कोने में दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोग जानते हैं, ठीक है। और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, दुनिया में जाना जाता, दुनिया जनवा दिया, दुनिया जान रही है उनको। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी का जो इमरजेंस हुआ है, जब जिस दौर में, तो बहुत बहुत सीमित कालखंड में, क्योंकि बाकी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में काफी लंबा समय लगा है, काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ ग्रो की और ग्रो किया है, तो सबसे बड़ा जो आधार, जो इसको कहिए कि बनाया है उसने जिन इलाकों में, उसमें नुकसान जो हुआ पॉलिटिकल, वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। मैं स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और जहां ये तेज हुई है वहां लगभग बीजेपी वाइप आउट हुई है। कांग्रेस को पॉलिटिकल नुकसान जो हुआ अपनी जगह, लेकिन ये आउट हुए हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 2014 के जो चुनाव, मैंने 14 के बाद जो दो चुनाव हुए हैं दिल्ली के, अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा प्रयास नहीं रहा है। मैं आप बताऊं, अरुण भाई बैठे हैं, मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि जब मैंने कांग्रेस का एक छत वर्चस्व था, तो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी दो रैलियां या अधिकतम तीन रैलियां होती थी। मैं यदि आप अनुमति दें दर्शकों को सूचना दूंगा कि तिहाड़ जेल से रिहा हो गए अरविंद केजरीवाल, बाहर आ गए। मुझे जो दूसरी स्क्रीन है उस पर नजर आ रहा है कि बाहर आ गए, बारिश भी हो रही है, और जैसा कि उनकी शैली होती है, आके सीधे वो शुरू हो जाते हैं, तो शायद अब उनकी जो प्रतिक्रिया आएंगी या जो बोलेंगे, संबोधन होगा, बताऊंगा, लेकिन वो बाहर आ गए हैं और वहां नारेबाजी और तमाम चल रहा है। अरविंद सर आप कंटिन्यू रखिएगा, क्षमा चाहूंगा मैं, चूंकि सूचना थी तो मैंने कर दीजिए। ये जो पूरा जो परिदृश्य है इसमें संजीव भाई, ये इसमें केजरीवाल के जाने के बाद जो काम हुआ और जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ है कि जो बदलाव की राजनीति के लोग कितने करप्ट हो सकते हैं, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ है। और यही नहीं हुआ है, जब यहाँ लाल किला रामलीला मैदान पर इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी दोनों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मतलब दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने को लेकर के, हेमंत सोरेन और केजरीवाल की, उसके पहले बीजेपी ने पूरा पोस्टरबाजी करके और पूरा ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि विपक्ष का जो गठबंधन है ये गठबंधन महाभ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। और ये लगातार आप पूरी इलेक्शन कैंपेन अगर आप देखेंगे तो यही एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ था। ये जो अदालत है, मैंने सर्वोच्च अदालत ने, ये पहले मतलब हेमंत सोरेन का मामला हुआ, फिर केजरीवाल का मामला, उसके पहले मनीष सिसोदिया भी, तो ये सब लोगों में अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी मतलब ठीक है बेल ही हुआ है, और बेल को लेकर के अभी बहुत सारी राजनीति गहराएगी। और पहले अगर आप देखेंगे तो जब ईडी के मामले चले, राहुल गांधी के मामले में भी लगातार मोदी जी के पब्लिक स्पीचेज में वो कांग्रेस को बेलगाड़ी कहते थे, क्योंकि जब एक पूरी कानूनी प्रक्रिया में बेल लेना, इस तरह से आप देखेंगे लाखों लोग, पक्की बेल, कच्ची बेल, जो भी है, यहाँ भी बेल किसको दी गई, केजरीवाल, बेल देने समय केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते समय उनके जो अधिकार हैं उनको थोड़ा सा सीमित किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं है। सोरेन के मामले में तो इस्तीफा हुआ था और बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि केजरीवाल इस्तीफा दें,
ठीक है ना, केजरीवाल इस्तीफा दें, और आप देखिए सिसोदिया और सत्येन जैन को तो इस्तीफा ही देना पड़ गया था, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। और केजरीवाल जब पिछले बार निकल के आए थे तो उन्होंने एक बात और कही थी कि सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये बात भी कह रहे थे। तो अब वो जो नैरेटिव बनाया गया था, देखिए उस नैरेटिव को पब्लिक के बीच में बात क्या है कि ये केवल दो तीन महज संयोग नहीं है, क्योंकि नीट है ना भाई, आप दिल्ली की नीट की बात करिए संजीव भाई, सर। दिल्ली में कोई भी फैसला, अरुण भाई तो यहाँ इन्होंने देखा है सारा दिल्ली के सरकार के काम काज, दिल्ली में कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सिग्नेचर के नहीं होता। तो मेरा कहना है कि कोई भी का मतलब कोई भी, मुख्यमंत्री के अधिकार बहुत ही सीमित है। यूनियन टेरिटरी के तौर पर आप देखेंगे अभी जम्मू कश्मीर वगैरह का जो इशू चल रहा है उसमें क्यों स्टेटहुड आगे है, क्योंकि दिल्ली की सरकार में एक लाचार मुख्यमंत्री, एक सीमा में बधे हुए मुख्यमंत्री को देख करके कश्मीर के लोगों को भी स्टेटहुड बड़ा मुद्दा है, इसलिए कि अगर यूटी रहते हुए अगर एलजी का ही शासन चलना हुआ तो मुख्यमंत्री को तो इतनी चीजों से बांध देंगे आपकी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर आप हटा सकते हैं, लेकिन मतलब सीमित अधिकारों में आप कर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर केजरीवाल की एक अपनी अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। तो वो जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय की जो पूरी राजनीति, जैसे अरुण भाई कह रहे थे, ये राजनीति में ये बड़ा लंबा माने जिसको कहिए कि ये मुद्दे आएंगे, और सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी ने उठाया था, सबसे ज्यादा सवाल अब उन्हीं पे खड़े होने हैं, क्योंकि देखिए ईडी सीबीआई ये सब बड़ी ताकतवर बड़ी संस्थाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न बनाया गया था, और इनकी जो सबसे बड़ी पूंजी रही है संजीव भाई वो ये रही है कि इनका एक इंडिपेंडेंट रूप, ठीक है आप देखिए बहुत सारी सरकारें आई इस बीच में, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि अब तो ईडी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, लेकिन इसके पहले सीबीआई का कहीं आ जाना ही काफी माना जाता था। बिल्कुल। और इन संस्थाओं के लिए जो लोगों के दिलो दिमाग में आरोप तब भी लगते थे, लेकिन इन संस्थाओं की जो छवि थी वो इतनी खराब हो गई है। इसके अलावा इन संस्थाओं के लोग, अभी अरुण भाई बात कर रहे थे कई चीजों के, इन संस्थाओं के लोग जब से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, कई लोग आप उठा के देखिए ना, ईडी के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बने हुए हैं ईडी से आकर के, फटाफट उनको जी जी बिल्कुल कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि ये बात तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि आने वाले समय में ये बात तो और तेजी से उठेगी कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा था अपोजिशन लीडर्स के बारे में, और अपने जितने भी लोग हैं, आप येदुरप्पा से लेकर के आप अजीत पवार और अशोक चौहान, क्या दूध के धुले हुए लोग हैं क्या? और ये जो हेमंत इन सबके मामलों में तो ऐसा लगता है कि जैसे ईडी ने सारी फाइलें रख के कहीं सेफ कस्टडी में रख दिए। तो ऐसा नहीं है कि बात केवल एक है, आप चंद लोगों को केवल, इसीलिए देखिए संसद में भी आप उठा के देखिए, संजय सिंह को आपने किया, आम जनता में बता रहा हूँ जो एक मतलब एक मैसेज गया कि साहब जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये नहीं चाहते, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर बोलने वाले लोगों को नहीं। तो अब तो आवाजें उठेंगी और उठ रही हैं। जी यस सर आवाजें उठ रही हैं और उठेंगी निश्चित तौर पर, सही आप करें। मैं अजय सर एक अध्यक्षीय एक आपका जो रिमार्क्स होगा पहले राउंड का, मैं क्योंकि आप शानदार तरीके से एलिब्रेट करते हैं, तो एक तो जो ये कहा गया है कि ये करारा तमाचा है केंद्र की सरकार और मोदी शाह को लेकर सीधा इशारा रहा है, आपने सुना संजय सिंह को सुना या आपने मनीष सिसोदिया को सुना, एक चीज। और दूसरा जो इस पूरे मसले मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ने जो बाध्यताएं उसमें कहीं की हैं, तो उसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि ये कहीं अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लेने का भी एक ग्राउंड कहीं तैयार हुआ है। तो इन सब परिपेक्ष में क्या आप इस पे देखते हैं, क्या फर्दर इसके जो रिपरकेशन? दूसरा मैंने हरियाणा का भी सर से पूछा था, तो हरियाणा को लेकर भी आपकी टिप्पणी आएगी तो बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए। अजय सर देखिए, मैं एक तो ये समझता हूँ कि तमाचा तो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गाल पे, और बहुत कायदे का तमाचा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं सर। इससे वो बार बार एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरीके से वो मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और सारी चीजें।
लेकिन एक और चीज कहूंगा, इससे सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत के अब दिखता है वो इशारे पे काम करते हैं। और इशारा शब्द इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का वक्त, इस बात का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुयान ने कि उनको गिरफ्तार करने का जो एक वक्त था वो सस्पेक्ट पैदा करता है। और आज जब छोड़ने का, जमानत देने का जजमेंट है तब संदेह पैदा करता है। यह जमानत 20 दिन पहले दी जा सकती थी, महीना भर पहले दी जा सकती थी, यही सारे डॉक्यूमेंट्स, यही सर्कमस्टांसेस, यही मौजूद थे। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे वजह है। प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पे गए थे, आरती उतारी थी गणेश जी की, नेहरू टोपी भी पहने थे। निश्चित रूप से नेहरू टोपी पहन के और आरती उतार के वो वहां जो करने गए थे वो असलियत में यही करने गए, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यदि एक साथ गठबंधन हो जाता तो अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलती। और ये गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में तो बेल मिली। ये असल में हरियाणा में वोट काटने के लिए बेल दी गई। ये वैसे ही है, ये पूरी साजिश उसी तरीके से कि देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के नाम पे बेल दी जाती है, वहीं झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको नहीं दी जाती है। एक चीज फिर देखिए कि इनको जब आपने बेल दी तो मुख्यमंत्री के कार्यों से आप कैसे वंचित कर सकते हैं, उसके लिए तो वो संवैधानिक तौर पर संविधान के तहत वो अधिकृत है। कोर्ट वह रोक रहा है, इससे इसकी अदालत की खुद कॉन्स्पिरेसी समझ में आती है कि आप उस काम को रोक रहे हैं जिसके लिए संविधान ने उसे अपॉइंट किया है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है। वो अरविंद केजरीवाल, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और यदि वो चीफ मिनिस्टर का ही काम नहीं कर सकता है तो साहब फिर आपने क्या किया, उनकी पहचान तो वैसे छीन दी भाई। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जिस तरीके से खेल किया वो इसलिए किया, ये बहुत वैसे करते हैं। तो इनका सारा खेल असल में एक साजिश की तरह से होता, और ये नई साजिशें जैसे मुझे लगता है शायद अरुण जी बोल रहे थे या दिनेश जी कि ये अगली भी तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, मैं इससे इनकार नहीं करता। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने का ही काम करती, आप अरविंद केजरीवाल को गुण दोष के आधार पर जमानत देते और जैसे जमानत के बाद में पूर्ण अधिकार होते हैं वो आप देते, आपको आपने बेल बांड भरवा लिया और क्या शर्त लगाएंगे भाई। शर्त सीमित सी होती है, असीमित नहीं होती, और यहां असीमित शर्त और यह जमानत के जो नियम है उसके विपरीत है। इस तरह की आप शर्तें नहीं लगा सकते कि आप हमें अपने संवैधानिक कार्य नहीं करने देंगे। आप कहेंगे बीबी और पति साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे से रिलेशन नहीं कायम करेंगे, एक बेड पे नहीं सोएंगे, अपने बच्चे से नहीं मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे, ये आप क्या बता रहे। लेकिन आप जाके प्रचार करेंगे, आप हर काम कर लेंगे बाकी, लेकिन ये नहीं करेंगे। जो आपका नैतिक कार्य है वही आप नहीं करेंगे। तो यह इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ साजिश करती है, और उस साजिश में अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, चुनाव आयोग भी शामिल है, और वो भी हमने देख लिया। चुनाव आयोग की साजिश का खुलासा हुआ हरियाणा में, भाजपा ने कहा तारीख बदल दो, तारीख बदल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था हरियाणा के इतिहास, पहली बार हुआ। इसी तरीके से तमाम चीजें होती हैं। दिनेश भाई बैठे हुए हैं, इनके राज्य में पहले
सारी मशीनरी का इस्तेमाल करके कि हिमाचल में सरकार ना बने कांग्रेस की, सारा काम किया लेकिन बन गई, पूर्ण बहुमत से बन गई, अच्छे बहुमत से बन गई। तो साहब कैसे सरकार गिराई जाए इस पर काम हुआ। जब उसमें असफल हो गए, सारी रणनीति फेल हो गई, तब क्या करें। तब उसके बाद में इन्होंने किया ये कि भाई ठीक है अब ये नहीं तो अब वहां हम सांप्रदायिक दंगे कराएंगे। और तब से लगातार इसकी कोशिशें हो रही, एक नहीं एक दर्जन ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं और आज भी मंडी में ऐसी कोशिश की गई है। तो ये इनका, ये असल में साजिश रचने वाले लोग हैं। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये लोग असल में वो लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं और अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं। और इनका एजेंडा एक ही है, सोते जागते बैठते कैसे सत्ता मिले, कैसे सत्ता के माध्यम से लूट हो और अपने चहते पूंजीपतियों को सब सौंप दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो साजिशों की बात जो आपने की सही है। हिमाचल ने पहले एक मस्जिद पे शुरू किया जहां विवाद को बहुत खूबसूरती से निपटा दिया गया, वहां खुद वो मुस्लिम धर्मावलंबी आ गया कि हम खुद हटा लेंगे अतिक्रमण, उन्होंने हटा लिए, अपनी वो ध्वस्त करने को तैयार हो गए सारा। ना उन्होंने एक बड़ी बात कही संजीव भाई, वो बताना जरूरी है। उन्होंने कहा एक, ये भी आपको साथ में बता रहा था अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश में तो ये हुआ, एक जिले के SSP ने कोशिश की कि दंगा ना हो, उसने वहां रोकने की कोशिश की, वो दंगे को उसको उसको कहीं उसका राजपाश कर दिया, मुकदमे कायम कर लिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता वो मोर्चा के लोगों के पास, मतलब रात में उनका तबादला हो गया। वो चाहते थे कि दंगा हो जाए, अफवाहें फैलाकर। तो वो आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं जी, आप करिए फिर। मैं बस एक लाइन बोलूंगा कि आप देखिए, जो मुस्लिम समुदाय गया और उसने जो एफिडेविट दिया, एप्लीकेशन दी कि हम खत्म कर लेंगे, उससे जब पूछा गया कि आप ये क्यों, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम अपने इन भाइयों को तकलीफ ना हो, इनके साथ मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का जो मोहब्बत का मंत्र है वो इनको परेशान किए हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मोहब्बत का मंत्री तो परेशान क्यों, इसलिए तो सारा कुछ और कोई कार्ड नहीं चल रहा है। आप जितनी कोशिशें कर रहे हैं आपका हर कार्ड फेल हो रहा है। ईडी CBI सब एक्सपोज है, बाकी और भी जो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो भी नहीं चल पा रहा, तो क्या करें अंता। और इस मामले में जो हम बात कर रहे थे कि दोनों की अलग अलग राय थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की, तो मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो गिरफ्तारी से रिलेटेड बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले हिरासत में है, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। और CBI ने बताया कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया, उन्हें जांच की जरूरत थी इसलिए केस में अरेस्टिंग हुई। जबकि जस्टिस भुइया ने कहा है कि CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है, जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है CBI एक्टिव हो जाती है। और ये हुआ भी था, 22 महीने इंतजार किया और 22 महीने के बाद जब उनको ईडी से जमानत मिली तो CBI ने अरेस्ट किया, तो उसी पे कहीं सवाल थे। और उन्होंने कहा ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल जो अजय सर कह रहे थे खड़े होते हैं। और साथ में उन्होंने जो दूसरी बात थी कि वो जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा से दूर करना चाहिए। अरुण सर आप बाकी बातें कर रहे थे, लेकिन इनका जो हम अगर राजनीतिक जो इसके निहितार्थ है या जो इसके लाभ हानि है, और हरियाणा वाला जो मैं देख रहा था कि हरियाणा में अलग लड़ना, और जो अजय जी ने कहा कि वो शायद नहीं अलायंस हो पाया इसलिए ये सब भी कहीं कुछ संदर्भ उसका जिक्र कर रहे हैं, और बाकी ये जो दिल्ली में क्या कुछ इसके रिपरकेशंस आप संभावनाएं देखते हैं, आपकी टिप्पणी है अरुण सर। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय भाई ने कहा, इसके दोनों पहलू हैं। ये भी संभव है कि आम आदमी पार्टी ने ये रणनीति इसलिए अपनाई हो कि जमानत मिल जाए, अलग लड़ेंगे तो दबाव का मौका उन्हें लगेगा, लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल देखने में जरूर छोटे कद के हैं, पर वो बिल्कुल कौन सा जो झलोका फिर चाहती है नॉर्थ ईस्ट की, अरविंद भाई बताएंगे, सबसे ज्यादा उस तरह का उनका असर रहता है। लौंगा मिर्च भी कहा जाता है, लौंगा मिर्च भी तो कहते हैं, एक अलग मिर्च है वो नागालैंड की तरफ होती है, बहुत भूत झलोका बोलते हैं उसको, एकदम जो है वो कर देती है। दरअसल आप देखिए किस लेवल पे षड्यंत्र हो रहे हैं। आज ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री कहां षड्यंत्र कर रहा है। सत्ता का विस्तार करने के लिए आप किसी भी कीमत पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दिल्ली में परसों
मैं 1983 में पहली बार दिल्ली पहुंचा था, तब से आज तक वो जमाना मदन लाल खुराना, केदारनाथ सहनी, ओम प्रकाश, आगे सरनेम भूल रहा हूं मैं, वो पुराने लोग जो थे, साहेब सिंह वर्मा और ये सब, तो वो ये सारी चीजें जो है वहां के लोगों ने, मतलब मैंने करोल बाग के बाजार में अरविंद भाई ने भी देखा चद्दर फैला के, आपकी अनुमति हो तो शायद एक फुटेज आए हैं, देखिएगा अरविंद केजरीवाल के छूटने के लिए आप अनुमति दें। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, अरे स्टैंडी वाला है गड़बड़ कर, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अरे वो पागल है बोर्ड वाला, इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे यार वो बोर्ड वाला, इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे भगवान ने मेरे रास्ते दिखाया। मैं देश की सेवा करता हूँ, जितनी राष्ट्रवादी ताकतें जो देश के विकास को रोक रही है, जो देश को बांटने का काम कर रही है, ये जो बातें आप हम लोग कर रहे थे वही अरुण जी, आप जो कह रहे थे कि वो ना झुका पाए ना डिगा पाए, वही कोई अंदाज है उनका, उन्होंने कहा कि मेरी ताकत 100 गुना बढ़ी। अब कंटिन्यू करिएगा और साथ में आज पे टिप्पणी आप जो सुना आपने। नहीं, अब अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, हमने सबने उनको पहले देखा है, आज चेहरा बता रहा है कि जेल में जो पहले ये बात आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डायबिटीज है और वो सख्त बीमार है, तो आज दिख रहा है, लेकिन उनकी आवाज देखिए गला भर्रा रहा था, भावुक हो रहे थे वो, भावुक भगवान की वजह से हैं, मतलब वो यही है कि टूटे नहीं, नहीं तो लोग देख लेते, उन्होंने रोक लिया खुद को। असल बात यह है कि घेरना, मेरा सवाल यह है कि छोटी छोटी जगहों पर जहां आप जनता की वजह से हार रहे हो, केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना था, हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने चुना था, वहां उन्हें आप उनसे जनता से हारे तो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल ले हो, लेकिन जहां मुख्यमंत्रियों ने घपले किए हैं वो आपकी पार्टी के हैं, सब सामने हैं, क्या बोले और क्या बात करें आप भी जानते हो। पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां सीबीआई के लोग एक भ्रष्टाचार के मामले में घूस लेते हुए पकड़े गए, जेल में पुलिस के लोग जेल में है, और पता है कि किसने कहां गड़बड़ी की, उसे आज तक उस पर हाथ नहीं डाला गया है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो बात आपने उज्जवल भुइयां साहब की और दूसरे जज साहब की बात कही, तो बात तो सबसे बड़ी ये है कि सीबीआई भी यही थी, ईडी भी यही थी, मुकदमा ईडी ने दर्ज किया तो 22 महीने सीबीआई क्या वो करती रही। मैं तो मिलिट्री स्टडीज का विद्यार्थी हूं कि एक हथियार छोड़ो दूसरा निकालो, कवर फायर देना है कि ग्राउंड कवर देना है कि सीधे टारगेट पे मारना है, ये सारी चीजें पहले से प्लान थी, अन्यथा वही एक अपराध है, उसी में दोनों एजेंसियां एक साथ चल सकती थी, लेकिन ऐसे चलती तो केजरीवाल को जेल में कितने इतने दिन ज्यादा कैसे रोक सकते थे। मूल बात अब यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पार्टी के भीतर, आपको पता है अब क्या हो रहा है, एक इससे हटके एक चीज बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो
बड़े नेता हैं, महासचिव रहे हैं राष्ट्रीय, जिन्होंने बंगाल में और हरियाणा में पार्टी को वापस लाने को की थी, उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। और उन्होंने पहली बार ये कहा है कि ये जो मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, सरकार को नंगा कर रहे हैं, लोगों को इस पे सवाल उठाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पे 4 लाख करोड़ का कर्ज है और वो लाडली बहनों को पैसा दे रही है। तो ये एक संकेत है कि पार्टी के भीतर भी बातें हो रही हैं, और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद ये बातें और बढ़ेगी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल रुकने वाले नहीं है। फाइल के तौर, मुख्यमंत्री के तौर पर फाइल दस्तखत नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। समय कितना बचा है, 4 महीने बाद तो चुनाव होने हैं। आपने हाथ कटा ठाकुर बना दिया, लेकिन जीभ तो नहीं काट लेंगे, बात तो सबके सामने आएगी, लोग सुनेंगे। तो अगर भाई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो पैरेलल मीडिया दिखाएगा। मुद्दा यह है कि जज साहब एक नहीं हुए, दोनों की अलग अलग राय है, होना भी चाहिए। शर्तें थोप दी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्र है कि जेल से बाहर तो आने दिया, वरना अगर वो भी नहीं करते तो कौन सवाल उठा लेता। लेकिन जो बात अजय भाई ने कही कि एक तथ्य तो यह है कि वो हरियाणा में अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। मैं उसका दूसरा कहलाऊंगा, ये हो सकता है कि वो अकेले लड़े इसलिए कि जमानत मिल जाए, पर सबसे बड़ी बात है कि वो जमानत पर बाहर है। और ये एक संदेश, अगर आपको इतना लगता है कि मुख्यमंत्रियों पर इतनी पैनी नजर है और आप इतने चिंतित हैं, तो एक बार फिर वही बार बार बात आती है, मणिपुर की चिंता कर लीजिए, वहां राजभवन पे हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री को हटाने की बात जनता कर रही है, महीनों से आग लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है। आप मुख्यमंत्री कहता है कि म्यांमार के लोग घुस आए हैं, और तब आपकी सरकार ठप नहीं होती, तब आपको नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज है, और तो और भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने शंकराचार्य को कह दिया, इधर आओगे तो आपकी यात्रा नहीं होने देंगे, हम तो गाय खाएंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी है। तो इतनी अपने ऊपर जो चीज आ रही है, उस सबसे जो प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि जेल वाला और बेल वाला, उनके पिताजी किसी वक्त मुलायम सिंह के प्रवक्ता हुआ करते थे, अरविंद भाई जानते हैं, तो मुझे हर बार याद आता है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आसपास नहीं देखते वो, उनके आसपास क्या हो रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। असल समस्या अब ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से आ गए, हेमंत सोरेन आ गए, चंपई सोरेन को ले लिया, क्या होने वाला है जिन जिन राज्यों में? अभी सबसे बड़ी गड़बड़ अगर होगी तो पहले दिनेश भाई के राज्य में होगी कि सुक्खू को हटाने की कोशिश करेंगे ये, और उधर कर्नाटक में सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आ गया, बॉन्ड बंद कर दिया, पैसा तो इनके पास है, खरीद फरोख्त कहां से हो रही है? ममता बनर्जी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जितना हंगामा मचा हुआ है, इंदौर में तो एक आर्मी अफसर और उसकी महिला मित्र के साथ हुआ है, ये क्या है? क्योंकि आप चीजें नहीं कर, अपनी अपनी कमजोरियों को आप दबा के इसलिए दबा लेते, तो दूसरे को बता दो केजरीवाल जेल पर बेल पर हैं, तो भाई केजरीवाल बेल पर थे, बेल पर हैं, तो येदियुरप्पा कैसे रहे थे? और वो जो मधु कोड़ा, उनको आपने अपने साथ ले लिया है, मगर हरियाणा में आप गोपाल कांडा को लेते हो, बाबा राम रहीम को बाहर छोड़ते हो, चिन्मयानंद आपके आदर्श हैं, आप क्या हो दूसरों पर आरोप लगाते हो? और इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ दो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और कुछ बचा नहीं है, जो इनका हुक्म चलता है वही होता है। नड्डा की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को एक चिट्ठी लिख दें, डिक्टेटेड चिट्ठी आती है उसमें दस्तखत करते हैं, बाकी मंत्री कहां है? हमारे एक ठाकुर राजनाथ सिंह होते तो उनकी जवान नहीं सुनी हमने, आवाज नहीं सुनी बहुत दिन हो गए। नितिन गडकरी कभी कभार बीच में बोल देते हैं, तो जो अंदर उन्होंने दहशत मचाई हुई है उसका जवाब लोकसभा चुनाव में दिया, अब राहुल हाउस के अंदर भी सामने खड़े होके बोलते हैं और सड़क पे बोलते हैं। अब तो लेटेस्ट देख लीजिए कि अमेरिका में जाके उन्होंने छात्रों से बात की, सांसदों से बात की, पढ़े लिखे लोगों से बात की, आपकी तरह उन्होंने गरबा नहीं करवाया तो उस पर भी तकलीफ है। असल चीज यह है कि यहां चर्चा ज्यादा हुई वहां कम हुई। अब परेशानी यह है कि जितने इनके दांव थे उनको आम आदमी भी समझने लगा है, और अभी जो भरे गले से जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवान की कृपा से मैं आऊं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अब नकली भक्तों का साथ देना छोड़ दिया है, उनकी समस्याएं अब बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं तो वो आपने जो बात कही कि नड्डा, मैं तो नड्डा क्या, अजय सर ने जो बात कही थी पिछली बार हम एक डिबेट कर रहे थे जब राष्ट्रपति को लेकर, उन्होंने बड़ा खरा खरा कहा था कि उनको क्या बना रखा है, वो एक जो शब्द है सर्वेंट को हिंदी में आप कह लीजिए, वो उसका बड़ा
बहुत पब्लिक ने उसको जो हम आप कहते हो ना कि हम वैकल्पिक नहीं, अब हम वास्तविक मीडिया हम लोग हैं कि जिसपे 7 लाख लोगों ने उसको देखा और हजारों कमेंट्स आए और बड़ी उसको तारीफ हुई कि आपने सच्चाई तो रखी। तो वही कुछ पद की गरिमा करना हमारे संस्कार है, इसलिए हम पद की गरिमा के तहत ही कि आप जो इन्होंने जो कर रखा है, इन लोगों ने कर रखा है, अजय सर ने कहा कि इन्होंने क्या बना रखा है, दही चीनी खिला रही है, वो दही चीनी खिला रही थी उसी दिन ये सब साबित हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही उन्होंने सच्चाई की भी आपने आपने सब जगह तो विष घोल दिया है, किसी की कोई गरिमा, किसी का कोई जो पद की जो गरिमा है कहीं रहने नहीं दी है, और आपने जो जितना ध्वस्त कर सकते थे किया। मैं अंत में सभी से सवाल पूछूंगा, जो अब वही बात, अब ये पूरी जो रार और तकरार से जहां मैंने शुरू किया था ओपनिंग रिमार्क में कि अब ये हाहाकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल छोड़कर, उसमें जो रिपरकेशंस है उस पर आप लोगों ने एक प्रकाश डाल ही डाला है। उसमें एक खास बात ये आती है वही की अब बैल पे है चीफ मिनिस्टर, इस्तीफे की मांग, नैतिकता की बात, शर्म की दुहाई की शर्म करके दे दे, नैतिकता को लेकर दे दे, इन सब पर दिनेश जी आपसे लेकर मैं अजय सर तक जाऊंगा। आज शुरू किया और हिमाचल पर जो एक बात हो रही थी वो जो हिंदू मुस्लिम वाली हम में भी बात कर रहे थे उस पर कि वो कैसे पंचर हुआ वो मामला, सुक्खू ने बड़े क्लेवरली उसको प्ले किया, एक आध दो लाइन उस पर बाकी फिर मैंने जो पूछा उस पर। मैं सर हिमाचल की छोटी सी बात करके बात निकलूंगा जी। मसला ये है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, जैसा हमारे सहयोगियों ने कहा कि कुछ भी करेंगे। आप देखिए हिमाचल जैसे शांत प्रिय प्रदेश में आपने यहां भी हिंदू मुस्लिम कर दिया, जिसकी हम कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का माहौल इस प्रदेश में तैयार होगा। मस्जिद का मामला था, कोई आपत्ति थी किसी को, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। आज अगर हम किसी भी, हम शिमला शहर की बात करें तो चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हजारों हजारों ऐसे मकान होंगे, हजारों ऐसे घर होंगे जो इन वायलेशन ऑफ टीसीपी एक्ट होंगे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के। उसी कड़ी में हमें इस केस को भी देखा जाना चाहिए था और उसके ऊपर कार्रवाई कानून की जानी चाहिए थी। लेकिन मसला कहां से शुरू हुआ? मसला वहां से शुरू हुआ कि वहां पर आपस में दो लोग झगड़े और जो एक भागा झगड़े से, वो भाग कर उस मस्जिद में जाकर छुप गया और बस वहीं से वो विवाद, वो आपस की दो आदमियों की लड़ाई थी, उसमें कोई राजनीति नहीं थी, किस बात को लेकर थी वो अलग इशू है, लेकिन वो झगड़ा दो टू इंडिविजुअल्स आपस, लेकिन आपने देखा हजारों लोग। और इससे भी दर्दनाक पहलू क्या था कि जिन जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे वो हिंदू थे और सामने जो सैन्य बल या पुलिस बल खड़ा था उनमें भी उन्हीं के भाई बहन और वो सब थे और वो आपस में ही उलझ गए। इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इस कदर से भड़का दिया गया कि कई वहां एक महिला जिसके ऊपर बैरिकेड गिर गया वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन परिस्थिति वहां भी नहीं सुलझी। परिस्थिति आप आज की डेट में आपको बताऊं, आज मंडी में ये हंगामा हुआ है और कल पूरे प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों ने पूरे प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी कुछ संगठनों ने पूरे प्रदेश में बंद का ऐलान किया है और वो कल पूरा दिन बंद रहेगा, दोपहर तक 12 बजे 1 बजे तक वो बंद रहेगा। तो उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है वो अलग चीजें हैं, लेकिन आम आदमी के जहन में क्या चीजें जाने वाली हैं, किस तरह का एक माहौल वातावरण समाज में पैदा हो रहा है, वो बहुत भयानक है। और हिमाचल की देवभूमि जो है वो इससे बहुत आहत है। आपको मैं आपने जो एक लाइन में, मैं इसको खत्म कर देता हूँ जी, प्लीज। आज इमाम आज वहाँ जामा मस्जिद संजौली के इमाम ने और वहाँ की जो डेवलपमेंट कमेटी है इस मस्जिद की, उन्होंने जॉइंटली एक एफिडेविट दे दिया वहाँ जाकर और उनको कमिश्नर के पास कि इस अवैध जिसको आप बोल रहे हैं उस ढांचे को हम खुद ही हटा देंगे, उसको गिरा देंगे और इसमें हमें इसकी अनुमति दे दी जाए हटाने गिराने की। तो मसला यहाँ पर खत्म हुआ और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हम ये जो चीज है, ये हम अपना जो एफिडेविट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि प्रदेश की जो संस्कृति है, प्रदेश की जो देव संस्कृति है,
या भाईचारे की संस्कृति है और जो मोहब्बत की संस्कृति है उसको हम खराब नहीं होना देना चाहते। हम इसलिए ये स्टेप उठा रहे हैं और गुजारिश करते हैं राजनीतिक दलों से कि इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति ना की जाए। ये बात बोलकर उन्होंने जो जो बीजेपी और इन इन ताकतों के ऊपर जो हंगामा कर रही थी, ये जो तमाचे के आप आज आपका जो हेडलाइन है, ये तमाचा आज वहां दिल्ली में ही नहीं पड़ा है, ये तमाचा आज शिमला में भी लगा है और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि समाज में चाहे प्रदेश है चाहे देश है, यहाँ पर जो है सौहार्द बना रहे और यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जी मैं समझ गया। मैं मेरे समय की पाबंद थोड़ी सी कमी है, मैं बहुत आपका धन्यवाद बिल्कुल ठीक है। आप अगर आपको जाना था, मैंने इसीलिए शुरुआत में आपसे कहा था। मैं आप बहुत छोटी छोटी टिप्पणी मैं अरविंद सर से भी चाहूंगा। जो मैंने कहा ये नैतिकता शर्म इस तरह की दुहाई की बात क्या अब चलेगी नहीं, छोटी सी टिप्पणी फिर मैं कंक्लूडिंग अजय सर से एक रिमार्क लूंगा, आप एक टिप्पणी करिए। हाँ देखिए, ये जो मैं ये कह रहा हूँ इसमें संजीव भाई थोड़ा इसको बृहद परिप्रेक्ष्य में देखिए जी, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब आप दिल्ली में ही नहीं, आप दिल्ली से लेके तमिलनाडु की सरकार में जो मंत्रियों पर, जो पुराने महाराष्ट्र की जो सरकार थी उद्धव की, देखिए आप झारखंड और बाकी जब ये देख लीजिए ममता बनर्जी की जो सरकार है जी, आप ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि जो गैर भाजपा सरकारें ये केवल यही है जिनको, मतलब जिनका कोई नैतिक आधार नहीं, ये नैरेटिव। तो देखिए नैतिक आधार का जो नैरेटिव था वो लोकसभा के चुनाव में खंड खंड हो गया, और जो अभी दिनेश भाई कह रहे थे, अब एक दूसरा जो लगातार प्रयास हुआ है कि हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान में तो अयोध्या से लेकर नासिक तक ने फैसला अपना सुना दिया है, सुना दिया बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नैरेटिव है ये नहीं चलेगा। Yes. और इस चुनाव में अगर आप देखेंगे, अभी ये चुनाव है, इस जी. चुनाव को बदलने के लिए एक मानस तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अजय भाई ज्यादा जानते हैं हरियाणा जैसे प्रांत में बीजेपी 2014 के पहले कभी भी 10% वोट नहीं पाई है, 10% वोट भी कंधे पे बैठ के मिला है। तो अब वो उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका राजनीतिक फायदा मिलने वाला नहीं है इनको इससे। ये पुनर्मुस्को शब्द जो है ना, पुनर्मुस्को भाव, ये उसी ओर। अब सारे जो उनके दांव या पेच थे वो विफल हो गए सब उसमें। अब कहीं कोई जनता ने इतना समझ लिया कि अब वो उन बातों में नहीं। अजय सर मैं आपसे टिप्पणी इस पे चाहूंगा कि जो गणेश वंदना जो हुई, जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं खूब रही, वहां सुप्रीम कोर्ट का जो जिस तरीके से उसका रवैया रहा, क्या उसको उस आलोक में भी लोग देख रहे हैं उस पे? हालांकि चुटकियां जो ली जाती है कि वो गणेश वंदना असफल हो गई, तो यही इलाके में कंक्लूड करूंगा आपकी टिप्पणी सर। देखिए मैं एक चीज कहता हूं कि कभी भी मैं किसी धार्मिक उसमें जाने का विरोधी नहीं हूं। मेरा मानना है कि जिसकी जहां आस्था हो जाए, और बहुत अच्छी बात, लेकिन जब आप संवैधानिक पदों पे बैठे हो तो उस गरिमा का भी इस्तेमाल वो कीजिए, उसका मान रखिए। और जैसा अभी अरुण भाई ने कहा था, मैं उस बात को ही कहे कि हाँ हमें उस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गरिमा का ध्यान कब रखेंगे? जब आप अपने पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे। मैं अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखूं और मैं चाहूं कि संजीव जी मेरे उसका ध्यान रखें, तो ये तो संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस गरिमा का ध्यान नहीं रखा। यह सरकारी कार्यक्रम होता, प्रधानमंत्री जाते, आरती नहीं, सब कुछ उतारते, कोई आपत्ति नहीं, वहां तमाम लोगों को बुलाया गया होता, वो आरती उतारते, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल निहायत निजी। आप एक चीज समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को आप अपने घर में किसी अपनी निजी पूजा में शामिल होने बुलाते हैं तो दो कारणों से बुला सकते हैं। मैं तो निजी तभी बुलाता हूं जब मेरा निजी संबंध होता है, बिल्कुल। लेकिन दूसरा एक और भी कारण होता है, जब हमें स्वार्थ होता है, लालच होता है। तो साहब क्या लालच था, क्या वो था कि हम उन्हें बुला रहे? नहीं तो हम सबको बुलाते, सबके लिए दरबार खुला है। भगवान हम आए, गणेश जी लाए, मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, अरविंद भाई ने देखा होगा, मैं गणेश जी लाता हूं, 10 दिन रहते हैं और हर साल लाता हूं,
मैं पोस्ट करता हूं मेरे सभी प्रियजनों, सभी मित्रों, सभी को, सभी आशीर्वाद के लिए उनके आमंत्रित हैं। जो आता है प्रसाद खाता है वो आता है, स्वाभाविक सी बात है वही आता है जिससे निजी रिश्ते हैं या जो सुविधाजनक पास है। अब अरविंद भाई आना चाहे तो दिल्ली से चंडीगढ़ आना पड़ेगा तो ये वो करेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ हैं आते हैं रोजाना कम से कम 50-60 लोग आते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, कुछ लोग चाय भी पीते हैं बैठ के, कुछ लोग खाना भी खाते हैं, तो ये मैं 10 दिन पूरा रखता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये मेरा अपना निजी, इसमें मैं कभी भी संपादक रहा, प्रधान संपादक रहा, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो अलग विषय था, ये अलग। मेरे स्टाफ का पीएन आता था, मैं उसको खुद सर्व करता था, पानी और सारी चीजें खुद सर्व करता हूं। तो ये इस बात का है कि मैं उनकी यहां तो सिर्फ पद के कारण, किसी लालच के कारण या कोई दूसरा कारण है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कारण बहुत बड़ी बड़ा विषय है, सवाल इसलिए खड़ा है। मनमोहन सिंह जी ने भी जो रोजा अफ्तारी की थी, सरकारी कार्यक्रम था, अरविंद भाई तो पार्ट है, तो सरकारी कार्यक्रम था, सभी आमंत्रित थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे दूसरे दलों के नेता हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे जजेज हो, तो सरकारी करिए ना आप, कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूजा करेगा। गणेश जी ने इनके जैसा भी अरुण भाई ने कहा था, भगवान ने इनके कपड़े उतार लिए, इन्हें नंगा कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं, चाहे बुलडोजर पर हो, चाहे इस पर हो और चाहे अरविंद की बेल पर। जी बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल सही तरीके से, और बाकी हो ही रहा है सारा कुछ। एक अच्छी चर्चा के लिए अरुण सर आपका, अरविंद सर आपका, अजय जी और हमने दिनेश जी जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की चर्चा, और हमारा अनुरोध वही कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी, अरविंद केजरीवाल की बेल पर जो एक रार है, तकरार है, उस रार तकरार को लेकर भी अपने व्यूज, अपने कमेंट्स हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।